जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी की। सभी को राम राम। कि पिछले विगत 3 या 4 दिनों से एक स्पेसिफिक बात काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है, चंडीगढ़ का विषय आप सब जानते हैं। और उस विषय को लेकर के काफ़ी बहुत सी बातें उठ रही हैं, बहुत सी चर्चा हो रही है। मेरी व्यक्तिगत बात जहाँ तक है, तो आप सब जानते हैं कि मैं किसी मुद्दे को लेकर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, स्पेशली जो किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, तो मैं लाइव आना पसंद नहीं करता हूँ। अपनी बात या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देना पसंद नहीं करता हूँ। मगर मुद्दा अगर मेरे तक रहे तो ये बात सही मानी जा सकती है, क्योंकि ये मेरा निजी विचार है कि मैं अपने लिए, मुझे नहीं बोलना, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बोलना या अपना स्पष्टीकरण नहीं देना या कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी जिससे मैं सफाई देता नजर आऊं। तो वो जब मेरे तक सीमित है तो ठीक लगता है, लेकिन अगर कोई बात मेरे परिवार तक पहुंच जाए, मेरे घर वालों तक पहुंच जाए, मेरे माता मेरे पिता तक पहुंच जाए, मेरे शुभचिंतकों तक या मेरे समर्थकों तक पहुंच जाए, अगर धमकी भरे कॉल्स मेरे पिताजी को आने लग जाएं, मेरे घर वालों को कॉल करके परेशान किया जाए, उनको बुरा भला सुनाया जाए, या स्पेसिफिकली कहूँगा कि समर्थक तो बहुत, मेरे जितने लोगों ने मेरे सपोर्ट में काफ़ी बातें लिखी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने बात मेरे फेवर में किया। लेकिन स्पेशली दो व्यक्ति ऐसे जो जिन्होंने मेरे समर्थन में बोला और उनको कटघरे में खड़ा किया गया, उनमें से एक हमारे आदरणीय बत्रा परिवार, शुभम बत्रा जी, उनके पिताजी राजेश बत्रा जी, और दूसरे मेरे आदरणीय, मेरे बड़े भाई नरेश पुनिया भैया। इन दो व्यक्तियों ने मेरे समर्थन में बात की। स्पेशली नरेश पुनिया ने तो मुद्दे को कई हद तक सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने न जाने किस तरीके से, कुछ स्पेशल लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी बातें उनके लिए बोली और उनको कटघरे में खड़ा किया, उनके लिए उनको काउंटर सवाल किया। तो अगर बात मेरे तक सीमित है तो मैं अपनी बात करने को, मतलब अपनी अपनी बात ना करने को मैं सही हूँ कि हाँ मुझे अपनी बात नहीं रखनी। लेकिन अगर बात मेरे से ऊपर, मेरे परिवार पर या मेरे समर्थकों तक जाए और फिर भी मैं चुप रहूं और मैं अपना पक्ष ना रखूं, तो ये गलत है। मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपना पक्ष रखूं, मैं अपनी बात बोलूं। इसीलिए मैं अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए आपके बीच आया हूं। पिछले 3 से 4 दिनों में ऐसे काफ़ी व्यक्ति हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और मेरे मेरे अच्छे संबंध, मैं मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो कि उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। उनका 1% भी उनका ये दायित्व नहीं बनता कि वो मुद्दे के बीच में अगर आ रहे हैं या किसी बात के बारे में मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं तो उनको मेरे से पूछना चाहिए, एक कॉल करना चाहिए कि भैया क्या बात है, आप ये बात आपके बारे में ऐसी सुनी जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उनको मेरे बारे में टिप्पणी करनी है तो कम से कम मेरा पक्ष तो समझेंगे या मेरा पक्ष सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत बात की बात है। कम से कम आपका इतना बनता है कि आप अगर मेरे बारे में बोल रहे हो या मेरे बारे में लिख रहे हो, आप लाइव आ रहे हो, मुझे मेरे मुद्दे पर आप लाइव आ रहे हो, तो आपको इतना तो दायित्व बनता है, आपका एक इंसानियत के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप मुझे कॉल कर लो कि आपके पास मेरा नंबर नहीं है, आप मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं किया। अब बात मुद्दे पर आती है कि मैं अपना पक्ष अभी आपके बीच रख रहा हूँ कि उस बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, मेरा पक्ष रखना ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि बुरा लग रहा है इस बात का कि वो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है जो 4 दीवारी के कमरे में था भी नहीं। ये आप सब तो इतना तो आप सबने इस मुद्दे के बारे में सुना ही होगा, चंडीगढ़ का किस्सा है, 24 मार्च की कीर्तन के बारे में बात है, बरसात को लेकर के माहौल जो बना उसके रिगार्डिंग बात है। 4 दीवारी के अंदर की बात थी, एक कमरे के अंदर की बात थी। उस कमरे के अंदर जितने व्यक्ति थे अगर वो कुछ बोलते हैं तो समझ में भी आता है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन वो व्यक्ति लाइव आकर के बोल रहे हैं जो उस कमरे में ही नहीं थे। अगर आप न्यायाधीश बन ही रहे हो तो कोई बात नहीं, आप न्यायाधीश बनो, अगर आपको शौक है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम न्यायाधीश का काम होता है पक्ष में बात करना कि निष्पक्ष बात करना। न्यायाधीश का काम है दोनों पक्षों को सुनना और उसके बाद निष्पक्ष फैसला करना या निष्पक्ष बात रखना।
अगर आपको मुद्दा अपने आप को ज्यादा ऊपर दिखा कर आपको मुद्दा सामने रखना ही है, तो आप कम से कम निष्पक्ष तो हो, आप दोनों पक्षों को सुनो तो सही, तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने उसकी भी बात सुनी, उसकी भी बात सुनी, और सुनने के बाद जाकर के मुझे ये लगता है। फिर आप अपने निजी विचार रखो ना, आपके निजी विचार एक पक्ष के हैं तो आप गलत हो फिर। अब चार दीवारी के कमरे में क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, ये सारी बातें अगर मैं अपने तरफ से बताऊं तो मुझे झूठा कहा जाएगा कि राज परिक अपनी बात कर रहा है, अपनी वाणी बोल रहा है। एक सेकंड, क्योंकि प्रूफ नहीं है ना, तथ्य नहीं है, बिना तथ्य के कोई भी बात, जैसे उनकी बात वैसे मेरी बात, अगर वो सही है तो मैं सही हूँ, वो गलत है मैं गलत हूँ, वो बात कहीं निष्कर्ष पे नहीं आएगी। मेरे शब्द को झूठा कहा गया, ये कहा गया कि मैंने रोहतक के कीर्तन में बाबा की सौगंध खाई, हालांकि बहुत फर्क है, मैंने कहा कि श्याम बाबा के दरबार को, श्याम बाबा को अग्नि को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो रुपए ना कल थे ना आज है ना कल रहेंगे, वो पैसे पुनिया जी के पास है। इस बात पर पुनिया जी को इतना बुरी तरीके से सिटा गया कि मुझे गिल्टी फील हो रही है कि मैंने बेचारे का नाम क्यों ले दिया। मैंने ये मैं ये कह देता कि एक व्यक्ति के पास है तो शायद वो इतना उनको घसीटा नहीं जाता, वो एक सरल व्यक्ति है, उनके जैसा व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। मैं नहीं, मेरे ख्याल में शायद आप सब लिख रहे होंगे ये बात, आप खुद जानते हैं कि वो व्यक्ति कितना सही है, कितना समझदार है और कितना सरल है। उस व्यक्ति को आपने एक सेकंड में कटघरे में खड़ा कर दिया कि नरेश पुनिया जी बीच में आ गए। अब नरेश पुनिया जी बीच में आ गए अगर आप ये कह रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। हाँ, अब मैं एक बात कहने जा रहा हूँ आप सबसे, जहाँ मुद्दे की बात आती है, जहाँ अपनी बात आती है मेरी बात रखने की, तो मैं अपने जुबान से बात नहीं रखूँगा अब, क्योंकि मुझे थोड़ा समय लगा, मैं मानता हूँ इस बात को। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भैया कुछ क्यों नहीं बोल रहे, राज भैया क्यों नहीं लाइव आ रहे, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अगर बात मेरे तक रहती मैं अभी भी नहीं आता लाइव, क्योंकि आप सब जानते हैं इतिहास गवाह है, मैं पहले भी कभी नहीं आया अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। मेरा बाबा जानता है, मैं जानता हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझे सजा दे, मैं कहीं सही हूँ तो वो मेरा साथ दे। लेकिन हाँ, आज बात मेरे से ऊपर उठ के मेरे लोगों तक पहुँच गई है, मेरे परिवार तक पहुँच गई है साहब, मेरे घर वालों तक पहुंच गई है, नरेश भैया तक पहुंच गई है, बत्रा जी तक पहुंच गई है, और न जाने कितने समर्थकों तक पहुंच गई है। तो अब मेरा स्पष्टीकरण देना या मेरा तथ्यों को सामने रखना या अपना पक्ष सामने रखना जरूरी हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि मैं अपना पक्ष अपनी जुबान से नहीं रखूंगा, मैं आपको प्रूफ के साथ में और दोनों तरफ से क्या कॉन्वर्जेशन हुए, हालांकि मुझे बहुत ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में लिखी गई, एक व्यक्ति को भी ये जो लिख रहे थे मेरे बारे में बुरा या जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे, उनको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि इस व्यक्ति का भी परिवार हो सकता है, इस व्यक्ति के भी अपने लोग हो सकते हैं, या इस व्यक्ति की भी कोई इमेज हो सकती है, हम इसके बारे में बुरा भला कुछ भी लिख रहे हैं, और इस हद तक गालियों तक कहाँ जा रहे हैं हम। क्या मैंने आपको गाली दी? आप बताओ, आप अगर ये बात करना चाहो कि हाँ बदले के बदले बदला, तो मैंने क्या कभी आपको गाली दी? मैं फेसबुक पर आकर के कोई भी मुद्दा मैंने उठाया नहीं उठाया, आपने मुद्दा उठाया। मुद्दा अपनी बात रखने के का लहजा होना चाहिए, अगर आपको अपनी बात भी रखनी है आप मर्यादा में रहकर रखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ऐसे अमर्यादित शब्द का उपयोग करोगे तो वो सही नहीं है। मैं मेरे जुबान से कोई शब्द अलग से नहीं बोलूँगा, अब मैं वो बात रख रहा हूँ आपके बीच जो बातें मेरे और वहाँ के जो लोग जिन्होंने मुझ पर लांछन लगाया था, और मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। वहाँ से पिछले 3-4 दिनों से सब वहाँ से अपना पक्ष रख रहे हैं, तो मेरा अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरा पक्ष बनता है ना, तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ आपके बीच में। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ जो मेरा, और अपनी बात एज इन मेरे शब्दों में नहीं, जो मेरे और उनके बीच कॉन्वर्जेशन हुआ, जो मेरे उनके बीच बात हुई, वो बात रख रहा हूँ। पहली बात कि मुझ पर जो 1 लाख रुपये का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो कॉन्वर्जेशन हमारे बीच क्या हुआ कि वो पेमेंट मैंने ली या मुझ पे थोपी गई, वो बात आपके बीच में रख रहा हूँ। कॉन्वर्जेशन सर, तरुण गोजी ने आपको बुक किया, एडवांस 10,000 पे आपको गूगल पे आपके नंबर पे आए हुए थे, 90,000 इन्होंने रात को आपको वहां दिया। हाँ, बस इसमें क्लियरेंस ये हुई है कि मुझे नहीं सर सुनते हैं, 90,000 पे आपको वहां पर इन्होंने पे किया। हाँ, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया पेमेंट लेके आपने नरेश पुनिया जी को दी, जो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बारिश आई, कीर्तन नहीं हुआ, और इस बात को मैं, जो भी आप लोग अंधेरे में हो ना, काफी आपको मेरे ख्याल में जो लोग इस मुद्दे को जानते हैं वो इतना कुछ सुन चुके होंगे कि आपको एक व्यू पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वहां क्या हुआ।
अब मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो लूप होल बताऊंगा जहां जहां आप लोग सब अंधेरे में हो, वहां पर मंडल में 10,000 रुपये 6 महीने पहले मेरे पास पेटीएम आए। एक वीडियो चल रहा है लाइव पर जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये देखिए ये प्रूफ है कि राज परी के पास पैसा है। 6 महीने पहले जो एडवांस दिया हुआ उसका प्रूफ आप सामने दिखा रहे हो ऐसे करके लोगों को, और लोगों को लग रहा होगा कि ये कीर्तन के बाद का पैसा है। फर्क समझिए, कीर्तन के बाद का नहीं है, वो 6 महीने पहले दिया गया एडवांस है 10,000 रुपये। किस नाते कि भाई आप हम जानते हैं एक दूसरे को, पहले से परिचित हैं, और जो मुझे बुक कर रहा है मिडल मैन जो है वो मेरा परिचित है। तो मैंने इस बात को तवज्जो नहीं दिया कि हम एडवांस लेकर के, जिसको हम क्लाइंटेज बोलते हैं ना, क्लाइंटेज वाला काम नहीं किया हमने, दोस्ती यारी के हिसाब से कोई बात नहीं। मैंने वो भी मना किया, ये बात आप वहाँ पूछ भी सकते हो, मैंने मना भी किया कि भैया कोई बात नहीं है, आपसे पेमेंट की कोई बात नहीं, आप सेम स्पॉट पे दे देना। फिर भी उन्होंने जस्ट फॉर अ टोकन अमाउंट, एक डिपॉजिट होता है ना कि भाई हमने बुक किया था, उस तौर पे उसने 10,000 रुपये भेजे। वो 10,000 रुपये का ये बात कर रहे हैं कि जो आपको 10,000 रुपये एडवांस दिया गया वो 6 महीने पहले। उसके बाद इन्होंने 90,000 रुपये मुझे कैश लिफाफे में बांध करके मेरे हाथ में पकड़ाने की कोशिश की, जो मैंने डिनाई किए कि ये 1,00,000 रुपये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बात आप वो भी समझ रहे हैं कि 1,00,000 रुपये देने में और थोपने में फर्क होता है क्यों, इसका भी मैं आपको आगे प्रमाण दूंगा कि क्या बात है क्या नहीं है। आगे दूसरा मुद्दा कि वो वहां उनकी गलती कहां पर है, ये तो ये बताया जा रहा है ना कि हमने 1,00,000 रुपये उनसे मांगे या ये किए, ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने मांगे नहीं, उन्होंने थोपे, और ये बात वो अग्री कर रहे हैं आपके सामने। दूसरी बात कि उनकी गलती कहां से शुरू हो रही है, ये मुद्दा मुद्दा कहां से बना, वो सुनिए आप। भैया मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूँ, मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, सिंगला जी मुझसे कोई बदतमीजी करेगा मैं उसके बदतमीजी, तरुण भाई के सामने की बात है। पहली चीज जो हमें बुरी लगी, मंडल ने तरुण भाई को ये बोला जहां से लाए हो वहीं वापस भेज दो, हम इनको नहीं जानते, तुमने बुक किया है, पहली बात। तो एग्जैक्टली, अच्छा गर्मा गर्मी में मंडल कुछ भी बोल सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। वो ये कह रहे हैं कि गर्मा गर्मी में कुछ भी बोला जाता है, गर्मा गर्मी, पहली बात तो हमारी तरफ से कोई गर्मा गर्मी थी नहीं उस समय। आप ये बात बोल रहे हो कि गर्मा गर्मी कहाँ से, जैसे ही बारिश आई तरुण भाई ने बोला कि भैया क्या करना है, तो वहां से ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि जहां से लाए हो अभी तक तो वो हमारे पास ही नहीं आए, वो तो हमें एयरपोर्ट भी रिसीव करने नहीं आए थे, वो तो हमारे तरुण भाई वहां पे हैं मौजूद, वो बेचारे अपनी गाड़ी में हमें लेकर के आए थे, मेरे को भी, नरेश भैया को भी, पूरी टीम को भी, वो खुद वहां से भाड़े की गाड़ी बुक करके लेकर के आए थे, मंडल हमें रिसीव करने नहीं आया था। और उसके बावजूद भी मंडल अभी तक हमसे मिला ही नहीं है, मंडल हमसे मिला नहीं है, बारिश आ गई है, हम अपने कमरे में रेडी होकर के बैठे हैं, नीचे लॉन में पहुंच चुके हैं, बारिश आने वाली है, बारिश आ चुकी है, और वहां पर जब तरुण भाई ये पूछते हैं कि क्या स्टेटस है क्या करना है, तो सामने से ये रिस्पॉन्स आता है कि जहां से लाए हो वहीं वापस भेज दो, हम इनको नहीं जानते, आपने बुक किया है, ये बात तरुण भाई को बोली जा रही है। आगे चलाइए, और वो ये बोल रहे हैं, ये कौन सी बात, वो ये बोल रहे हैं कि गर्मा गर्मी में कुछ भी बोला जाता है, कौन सी गर्मा गर्मी, और अगर गर्मा गर्मी है भी तो आप गर्मा गर्मी में कुछ भी बोलो वो चलता है, हम इतनी सी बात अगर जो कि हमने नहीं बोली लेकिन फिर भी बोल दे तो वो गलत है। आई बात तो एग्जैक्टली, अच्छा गर्मा गर्मी में मंडल कुछ भी बोल सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, ये कौन सी बात हुई भैया, ये तो मजेदारी नहीं हुई ना भैया। अच्छा दूसरी बात, नहीं भैया भैया मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूँ, मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, सिंगला जी मुझसे कोई बदतमीजी करेगा मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये सिद्धांत आपके भी, सिंगला जी आप मुझे अभी एक बात बताओ। अब आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको ये बोला कि आप रूम से बाहर चले जाइए, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कोई व्यक्ति आपसे अगर बदतमीजी करता है, कोई आपको तू तड़ाक पे आता है, तो आप कोशिश क्या करोगे कि उस बात को आप अवॉइड करो। मैंने ये तक बोला कि या तो आप रूम में रहिए या मैं रूम में रहता हूँ, दोनों में से कोई एक ही, कुछ कोई एक ही पद का रूम में रहेगा, या तो आप रूम में रहिए या मैं रूम में रहता हूँ। आप अगर मुझसे बदतमीजी से करोगे, आप मुझे ओए करके बे करके तबे करके बात करोगे, तो भैया मैं क्या, कोई भी नहीं सुनेगा, आप एक कुत्ते को भी पत्थर मारते हो ना तो वो भी रिटर्न में भौंकता है, हम तो फिर भी इंसान है, तो मैं आपकी बदतमीजी क्यों सुनूं, बदतमीजी क्या हुई क्या बोला गया वो सुनिए। अभी बात बात में मैं आपको एक बात बोल दूं, ओए सिंगला ऐसे करके मैं आपको अगर चिढ़ा दूं कुछ तो आप मेरे से तमीज से बात करोगे क्या, नहीं करोगे ना, नहीं नहीं भैया नहीं, बंसल जी आपकी टोन आज बहुत नॉर्मल है, बंसल जी आपकी टोन आज बहुत नॉर्मल है, मेरे मेरे जीवन में देखो,
मेरे जीवन में मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया भैया, मैं आपसे उम्र में आधा भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ भैया टोन क्या चीज होती है। आप मुझे गुरदास मान गिना रहे थे कि गुरदास मान मेरी जेब में रहता है, मैं जब चाहूँ उससे डेट चेंज करवा दूं। भैया अब आप बात को चेंज करोगे तो मैं क्या करूंगा। हाँ आपने 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 मुझे न्यूज चैनल गिना दिए उस समय कि सारे न्यूज चैनल एक सेकंड में खड़े कर दूंगा। आपने मेरे सामने नरेश पुनिया जी को ये बोला कि कोई असाइनमेंट है क्या तुम्हारा, अग्रीमेंट है क्या तुम्हारा, कोई अग्रीमेंट है क्या मंडल के साथ जो तुम पैसे मांग रहे हो। मैं एक ही बात सिंगला जी, मेरा एक ही मुद्दा है सिंगला जी, तरुण भैया ने सुनिए मेरी बात, तरुण भैया ने हमारे सबके सामने बात बोली है कि मैंने मंडल को कम से कम 4 दिन से टोका कि भैया आप हॉल में कीर्तन कर लो, बारिश का मौसम है, बारिश हो जाएगी, प्रोग्राम खराब हो जाएगा, लेकिन मंडल ने पूरा इग्नोर किया। भैया उन प्रोग्राम से, भैया मुद्दा किस प्रोग्राम का उठ रहा है, मुद्दा किस प्रोग्राम का उठ रहा है भैया। भैया मैंने देख, सुनिए बंसल जी, मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी, बंसल जी आप दो तरह की बात नहीं कर सकते। मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मुद्दे की बात करेंगे कि ये ले लो वो ले लो, मैं आपके मन से पैसे क्यों लूंगा। आप मुझे 1,00,000 रुपए थोप रहे हो, मैं क्यों लूंगा आपके 1,00,000 रुपए, 70,000 रुपए तो भैया 70,000 रुपए तो मैं अपनी जेब से लगा के आया हूँ। 70,000 भैया आपके 10,000 रुपए पेटीएम आए थे ना मेरे पास 6 महीने पहले, 6 महीने पहले आपने एडवांस टोकन अमाउंट 10,000 भेजा था ना। जी बताइए। अब सुनिए आप, ये जो लूप होल है पूरे मुद्दे का, जो लूप होल पूरे मुद्दे का है वो ये है कि आप लोगों को इस बात में अंधेरे में रखा गया, जो कि आगे मैं प्रूफ करूंगा आपको कि ये बात वहां से भी आ रही है कि ये बात मंडल की गलत है। जो आगे आगे थोड़ा सा इंतज़ार करिए कि 2-3 ऐसे कॉन्वर्जेशंस हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें साफ साफ समझ में आ जाएंगी। मैं एक एक करके स्टेप करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी नहीं आया तो कभी नहीं आया, अगर आज आया हूँ तो विथ फुल प्रूफ और पूरी सच्ची बात, और अपनी बात नहीं दोनों तरफ का कॉन्वर्जेशन रखूँगा। आपको अंधेरे में इस बात में रखा गया कि उस दिन पूरे उत्तर भारत में बारिश थी, मानता हूं पूरे उत्तर भारत में बारिश थी, पूरे उत्तर भारत को बारिश सहनी पड़ी, मगर पिछले 7 दिनों से मैं भी, तरुण भाई भी, स्पेशली तरुण भाई जो मिडिलमैन है और उनके साथ के लोग जो उनके और भी टीम के लोग हैं, वो मंडल को कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि भैया वेदर फॉरकास्ट में बारिश दिखा रही है, आप कीर्तन हॉल में शिफ्ट कर लो, दिक्कत आएगी। मंडल वालों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, आगे ये बात वापस आएगी तब और स्पष्ट रूप से आएगी। मंडल वालों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो कौन जिम्मेदार है। अगर आपकी नेगलिजेंसी है तो आपकी नेगलिजेंसी का भुगतान हम या कोई भी XYZ क्यों करेगा। अगर मान लिया कि चलो बारिश आ गई, आपने पेमेंट नहीं किया, मुझे नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर और भी कुछ लोग जो आप मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि किसका पेमेंट हुआ है किसका नहीं हुआ है, कोई ऐसे व्यक्ति जिसका पेमेंट नहीं हुआ और उसको उस पैसे की दरकार हो, तो ये बात कहाँ तक सही है, ये बात कहाँ तक जायज़ है कि आपकी नेग्लिजेंसी का भुगतान कोई और भर रहा है। आगे दूसरा मुद्दा, मैंने अपनी बात जब भी रखी तरीके से रखी, मैंने अपनी बात जब भी रखी तरीके से रखी, कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया। रोहतक में मैं खड़ा था, मंच के माध्यम से मैंने पूरे, आप इस बात के बाद अगर आपको नहीं याद हो तो आप मेरी चंडीगढ़ वाली वीडियो, रोहतक वाली वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ये बात कही है कि इतना होने के बावजूद भी मैं पूरे चंडीगढ़ से माफ़ी मांगता हूँ, इतना होने के बाद भी मैं पूरे चंडीगढ़ से माफ़ी मांग रहा हूँ। हाथ जोड़कर मैंने वहाँ चंडीगढ़ से माफ़ी मांगी है, क्यों, क्योंकि प्रेमी पिस्ता है, अगर कोई भी बात होती है तो दो लोगों का दिल आहत होता है, वो लोग जो इन सब बड़े मुद्दों और ये सब चीज़ों को नहीं समझते, सिर्फ भजनों को समझते हैं, दूसरे हमारे बाबा।
मैं कोई संत और कोई महात्मा बन के नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आप सरल प्रेमी हो वैसे मैं सरल प्रेमी हूँ, उस अंदाज में बोल रहा हूँ कि दिल दो लोगों का दुखता है, एक वो सरल प्रेमी जिनको जेन्युइनली किसी भी तरीके के राजनीति की बातों से मतलब नहीं होता, शाम जगत की पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता, जो सिर्फ भजन सुनने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जो पीछे जाके बैठते हैं, जिनको आगे जगह भी नहीं मिलती, और उन लोगों को का मन दुखता है और स्पेशली बाबा का मन दुखता है। तो मैंने किसी प्रकार का अपशब्द नहीं बोला, मैंने किसी प्रकार की गलत शब्दों का उपयोग ना तो कमरे के अंदर किया और ना ही किसी और जगह किया, लेकिन मेरे बारे में गलत शब्द बोले गए वो आप यहां सुनिए, और अग्री कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं तो अब ये बात पा रहा हूं। हाँ जी बोलिए। लेकिन हमने मुझे बस इतना बताया कि मेरा सत्य जो है वो यही है। बात बाकी भैया, आपका भी कल वीडियो देखा था मैंने, आपने ये बात बोली कि कॉलर पकड़ के मैं उसको कलकत्ता से लेकर। एक सेकेंड, ये वीडियो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो KL बंसल नाम से एक व्यक्ति है, उनकी एक लाइव चल रही है, काफी दिनों से घूम रही है चंडीगढ़ में। 24 तारीख के बाद 26 को भी एक कीर्तन था मोहाली में, उस कीर्तन के अंदर में मंच पर जब मैं रोहतक में गा रहा था उस समय मंच पर आकर ये बात बोली गई, सुनिए। आपका भी कल वीडियो देखा था मैंने, आपने ये बात बोली कि कॉलर पकड़ के मैं उसको कलकत्ता से लेकर आऊंगा। नहीं तो आपने बोला ना भैया, आपने आपने बोली ना बात, मुझे भी नहीं पसंद आई सिंगला जी, आपने भी मंच के माध्यम से इतनी बड़ी बात। भैया सिंगला जी, आपकी उम्र मुझसे डबल होगी मेरे ख्याल में, आपको ये बात बोलते शोभा दी क्या? आपके बच्चे की उम्र का हूं मैं, तो बस वही बात है, आपका गुस्सा गुस्सा हमारा गुस्सा कुछ नहीं। तो भैया तो चेहरे को बदनाम कर रहे हो ना फिर, आप मानो इस बात को कि आप चेहरे को बदनाम कर रहे हो, आप चेहरे को बदनाम कर रहे हो, आप मानो फिर इस बात को। देखिए भैया मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस बात पे फोकस किया जाए कि आप चेहरे हो, हम चेहरे नहीं है, इसका मतलब साफ है कि जो चेहरा है, मैंने जो बात रोहतक में बोली थी वही बात है ये, कि जो चेहरा होता है उसको गाली देना आसान होता है, उसको गाली देने में मजा आता है, उसको बोला जाता है, जैसे कि फलाना चंद कोई भी, गोयल बंसल जी, पारिक जी, किसी ने भी एक फलाना आदमी को थप्पड़ मारा, मज़ा नहीं आया, न्यूज़ नहीं बनेगी। अमिताभ बच्चन ने किसी को थप्पड़ मारा, न्यूज़ बनेगी। इसी को उल्टा कर लीजिए कि फलाना चंद को थप्पड़ लगा, न्यूज़ नहीं बनेगी, अमिताभ बच्चन को थप्पड़ लगा, न्यूज़ बनेगी। तो जब कोई फेस होता है तो उसको बदनाम करने में फ़ायदा भी है और वो चर्चा का विषय भी बनता है, फ़ायदा हो ना हो चर्चा का विषय ज़रूर बनता है, यही बात वो कह रहे हैं। आगे सुनिए। मैं भैया सच्ची कसम खाई है, सच्ची कसम खाई है, एक शब्द उसमें गलत नहीं है। श्याम बाबा जितना आपका है उतना मेरा भी है भैया, हाँ हमारा सबका बराबर है। अगर मैंने कसम खाई है तो भैया सोच समझ के खाई है। मैं मेरा उम्र 27 साल होगी भले, लेकिन मुझे भी 20 साल का एक्सपीरियंस है इस बाबा के दरबार का। मैं अगर कसम खाऊंगा तो झूठी नहीं खाऊंगा, साफ शब्दों में एक ही बात बोली। आप वापस सुन लेना मेरी बात को, मैंने एक ही शब्द बोला कि ना मेरे पास वो पैसा कल था, ना आज है, ना कल रहेगा, और ये इसका मतलब ये है कि वो पैसा नहीं था मेरे पास। और क्या बोला? पुनिया जी के पास है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मंडल के पास है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है पैसा मंडल को मिलेगा, ये बात मैंने वहां पे रखी है, ठीक है? क्यों? अब ये मुद्दा स्पष्टीकरण मांगता है, स्पष्टीकरण ऐसे मांगता है कि वो लाख रुपए मंडल अपने हाथ में लेकर के मुझे देता है, मुझ पर थोपता है, वो पैसा मेरे हाथ में नहीं आता, वो पैसा तरुण भाई के हाथ में आता है, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी आपको ऑडियो सुनाई कि मैंने बंसल जी को बात बोली कि आप मेरे पर थोप रहे हो ये पैसे, मैं इस पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मंडल को भी ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि भैया ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। इवन मैंने मंडल को भी इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं आपके मन से पैसे क्यों लूंगा, आपकी नेग्लिजेंसी है। ये बात तरुण भाई ने भी बोली कि आपकी नेग्लिजेंसी का भुगतान राज भाई क्यों करेंगे, बरसात की वजह से अगर आप प्रोग्राम बोल रहे हो तो नेग्लिजेंसी आपकी, आपको बार बार बोला गया कि बरसात है आप हॉल कर लो, राज भी इसका भुगतान क्यों करेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझ पे क्यों थोप रहे हो पैसे, अगर लूंगा तो मैं अपने मन के पैसे लूंगा, आपके मन के पैसे क्यों लूंगा? मैं 70,000 रुपये ऑलरेडी अपनी जेब से लगाकर आया हूँ, मैं 30,000 का नाम करवाऊंगा क्या आपका, मैं क्यों लूंगा ये पैसे? लेकिन उनको ये पैसे थोपने थे मेरे पे, उन्होंने क्या किया, ये पैसे मेरे हाथ से अपने हाथ से निकाले, तरुण भाई के हाथ में दिए, तरुण भाई ने मेरे को देने की कोशिश की, मैंने नहीं लिया, उन्होंने मेरे मैनेजर को देने की कोशिश की, उसने भी एक्सेप्ट नहीं किए, वो पैसा लास्ट में नरेश भैया के हाथ में आया। मैंने नरेश भैया को यही बात बोली कि भाई ये पैसे आपको भी मेरे लिए मेरी की भाई नरेश भैया आप दे दो या ऐसा कुछ, तो मैंने बोला कि नरेश भैया आपको भी ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करने हैं, ये पैसे वापस जाने चाहिए, ये पैसे नरेश भैया, अब नरेश भैया की गलती सिर्फ इतनी हो गई, बेचारा फंस गया इस चीज़ में कि उसने मेरे लिए
मंडल की तरफ बात रखी या मंडल या मेरे मेरा साथ दिया कि नहीं ये बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप इस पैसे को वापस पकड़ो। उस बंदे को इसलिए बदनाम किया जा रहा है बार बार कि वो मिडल मैन है बेचारा। कोई व्यक्ति आकर के इस मुद्दे में और सुलझाने की कोशिश करता है और आप उसको फंसा देते हो। अब ये बोलते हो कि नरेश पुनिया जी अब आप भी बीच में आ गए, आगे चलाइए। अच्छा थोपने वाली बात आती है ना जापर भैया, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पे वो पैसा थोपा जा रहा है और मैं क्यों लूंगा 70,000 रुपए अपनी जेब से लगा के, मैं 30,000 रुपए के लिए आपका नाम कराऊंगा क्या कि भैया मेरे को 30,000? भैया जो लाखों लाखों पेमेंट ले रहा है वो लड़का 30,000 के लिए मरेगा क्या, मुझे बताओ खाली। मेरी बात सुनो मेरे छोटे भाई। हाँ भैया देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप मेरे पिता समान हो, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा भैया कि जो सत्य है वो सत्य है। अब ये सारी बात होने के बाद जब मेरी बात उनको समझ आ गई, जब मेरी बात उनके पल्ले पड़ गई, उनको समझ आ गई कि भाई क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं बोलना चाह रहा है, उसके बाद में वहां पर क्या बात हुई ये वीडियो ये ऑडियो सुनना जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जी देखो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं तो एक बात कहूंगा आपको। जी 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 मैं कुछ नहीं करना भाई साहब, जो हमने कहा मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आप उसने ये समझ लिया कि मेरे बड़े को डांट दिया, यही बात है और इससे ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सिंगला जी मैं दूसरी बात भाई, हाँ। आप फेसबुक पर आ जाओ, सिर्फ आपने किसी का नाम नहीं लेना। नहीं आऊंगा भैया, सिंगला जी नहीं आऊंगा, माफी चाहता हूँ सिंगला जी, सिंगला जी माफी चाहता हूँ, मेरी नीतियों के खिलाफ है सिंगला जी, माफी चाहता हूँ। आप मुझे और पोस्ट डालने, आप 10 पोस्ट और डाल देना मेरे लिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जैसे मैंने आपके आपको पता है आपके मेरे पास मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, मैंने आपको रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी नीतियों के खिलाफ है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से शिकायत करता हूँ और सिर्फ अपने बाबा के सामने रोता हूँ और सिर्फ अपने बाबा से बात करता हूं भैया। इतना मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा कोई भगत हो गया, लेकिन मेरी नीति यही है भैया, मेरा सिद्धांत यही बोलता है। मैं अपने फेसबुक को गंदा नहीं करूंगा, माफी चाहता हूं, मेरे फेसबुक पर मैं कुछ नहीं डालूंगा। हाँ ये जरूर बोलूंगा भैया मेरी बात, हाँ भैया मैटर खत्म करो, कोई बात नहीं इसमें कोई, चलो इनसे भी जो हो गया या हमसे मुझसे, हाँ ये है ये तरुण भाई एकदम राजपरिक जुबान का खरा है गुरु। एक बात कभी भी बोल रहा हूँ, अगर मंडल आकर के माफी मांग ले कि पिछले 7 दिन से तरुण भाई हमें बोल रहे थे कि अब बारिश आने वाली है आने वाली है आने वाली है, लेकिन हमने हॉल नहीं किया, हमने जिद की कि नहीं श्याम बाबा रक्षा करेगा। अरे श्याम बाबा हिंट, तरुण गोयल और कैसे आता है श्याम बाबा, अब प्रत्यक्ष रूप में उतर जाएगा तुम्हारे लिए श्याम बाबा, यही तो स्वरूप है, तरुण गोयल के स्वरूप में आकर के बोल रहा है कि भाई बारिश आ जाएगी, इज्जत रख लो। आज राजपरी की कोई वैल्यू नहीं है, नरेश पुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा सब छोड़ो भैया, उन छोटे छोटे म्यूजिशियंस की, उन कोरस वालों की, उन लाइव वालों की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप भैया मैं तो 1,00,000 रुपए लेता हूँ, 2,00,000 लेता हूँ, 5,00,000 लेता हूँ, वो बच्चे 5,000 रुपए लेते हैं, 3,000 रुपए लेते हैं, 2,100 रुपए 1,100 रुपए लेते हैं और उसी से उनका घर चलता है। अगर बारिश के मौसम में सब मंडल यही करे कि बाबा देखेगा बारिश आएगी तो ठीक है, नहीं तो सबके पैसे मार लिए जाएंगे। अगर सब ऐसे ही करे तो ये गरीब बच्चे बारिश में तो मर जाएंगे, हो गया इनका काम। सही बात है, ऐसे नहीं होता। अब क्या बोलूं आपको, चलाने भैया जब कोई बोल रहा है कि हॉल में कीर्तन कर लो और आप इग्नोर कर रहे हो उसकी बात को, तो आप दोषी हो। अब छोटे भाई क्या करना, कुछ नहीं सिंगला जी, बस आपको जो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, आगे थोड़ी बात अब नरम की तरफ जा रही है। यही मुद्दा है कि आप जिसको गलत ठहरा रहे हो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई, मैंने आपको एक बार भी गलत नहीं ठहराया, मैं अभी भी नहीं ठहराता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूँ, निष्पक्ष होकर के बात कर रहा हूँ, कोई संत बनकर नहीं बात कर रहा। आपने अपनी बात बोली, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। बारिश आ गई, अचानक आ गई, तरुण गोयल जी आपको 7 दिन से बोल रहे हैं, प्लस सबसे बड़ी बात बारिश सुबह भी आई जिस दिन कीर्तन था, 1 दिन पहले भी आई, बंदा तब भी आपको टोक रहा है, उसके बाद में भी आप हॉल नहीं कर रहे, तो गलती किसकी है? आप अपनी गलती पे पर्दा क्यों डाल रहे हो? आप सबसे बड़ी बात आप ये जो लोग हैं जिसके सामने आपने इस मुद्दे को उठाया, या तो आप मुद्दा नहीं उठाते, या तो 4 दीवारी की बात 4 दीवारी में रहती, और या फिर आपने मुद्दा उठाया तो आपने निष्पक्ष बात करनी चाहिए थी कि हमारी गलती है, ऐसा ऐसा मुद्दा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और फिर आपको मेरे बारे में जो बोलना था वो तो आपने बोला ही है,
लेकिन आप अपनी बात भी रखते हैं ना, अगर आपको बात ही रखनी है, मैंने तो नहीं रखा ना, मैंने तो कोई पहल नहीं की, मैंने कोई बात नहीं बोली, मैंने मेरे मेरे मुंह से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं निकला, मैं वो इवन मैं वो लाख रुपए वहीं छोड़ के गया हूं। मैंने इतनी बड़ी बात भी उनको बोली कि भैया आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये मेरे शब्द हैं, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो तरुण इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है इसलिए मैं अपना शब्द आप तक रख रहा हूं, आप तरुण गोयल जी से पूछना, मैंने ये तक बोला कि भैया मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, ना आपका मेरा रिश्ता खराब होगा, ना आपके हमारे बीच में कोई दूरी आएगी, ना मैं कभी ऐसा करूंगा कि आपका कॉल ना उठाऊं या आपको ब्लैकलिस्ट करूं या ऐसा कुछ भी हरकत मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आंख के सामने सारी सीन दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे आंख के सामने घट नहीं रहा, तो आप एकदम निश्चिंत रहो। लेकिन आप मुझ पर अगर सोचोगे कि मैं आपके मन से चलूं तो चित भी पट आपकी पट भी आपकी नहीं हो सकती, अगर मैं नहीं लूंगा तो कुछ नहीं लूंगा, गर्व से गौरव से जाऊंगा कि नहीं लिया, और लूंगा तो अपने मन के पैसे लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, प्लस आपकी गलती है वहां पर उस समय, रूम की बात कर रहा हूं मैं, कि आप नजरअंदाज कर रहे हो मौसम को, तो वहां पर ना, क्यों, क्योंकि कलाकार का पैसा सिर्फ कलाकार का नहीं होता, उसके साथियों का भी होता है, लाइव वालों का भी होता है, म्यूजिशियंस का भी होता है, म्यूजिशियंस लाइव कोरस, गाड़ी गाड़ी चलाकर आता है एक लड़का, क्या मैं, आपने मुझे पेमेंट नहीं दिया मैं नहीं दूं उसको, वो तो आया दिल्ली से चंडीगढ़ बाय ड्राइव, मेरा भी बंदा आया, नरेश भैया का भी बंदा आया, छोड़ दूं उसको गाड़ी के पेमेंट, नहीं दूं उसको, आपके पैसे क्यों लूं मैं, आप अपने हिसाब से सेटलमेंट क्यों करोगे, सेटलमेंट होगा तो वो होगा जो मैं चाहता हूं और आप चाहते हो, म्यूचुअल सेटलमेंट होगा, आपका सेटलमेंट आपके पैसे मैं क्यों पकड़ूं। आपने लोगों को भ्रम में रखा, तकलीफ इस बात की है, आपने फेसबुक पर मुद्दा डाला तो आपने लोगों को भ्रम में रखा, आपकी गलती आपने एक बार भी नहीं बोली, आप कहां नजरअंदाज कर रहे थे आपने नहीं बताया, आपने सिर्फ ये बोल दिया कि राज पर 1,00,000 रुपए लेकर के गया वहां से, मैं मानता हूं कि वो पैसे आपके हाथ में नहीं थे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि निकल गए, लेकिन मैं अपनी बात पे तब भी अडिग था, आपको लग रहा था कि आप थोप के चले गए तो मैं गटक जाऊंगा, नहीं गटके, मैंने तब भी बोल रहा था कि मैं नहीं लूंगा और मैं अब भी बोल रहा हूं कि नहीं लूंगा, और अब तक तो पहुंच भी चुके हैं पैसे आपके पास बेचारे पुनिया जी को फंसाने के बाद। चलिए आगे चलिए। जी देखो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं तो एक बात कहूंगा आपको। जी 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 मैं कुछ नहीं करना भाई साहब, जो हमने कहा मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आप उसने ये समझ लिया कि मेरे बड़े को डांट दिया, यही बात है, और इससे ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सिंगला जी मैं दूसरी बात भाई, हाँ। आप फेसबुक पर आ जाओ, सिर्फ आपने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं आऊंगा भैया, सिंगला जी नहीं आऊंगा, माफी चाहता हूँ सिंगला जी माफी चाहता हूँ, मेरी नीतियों के खिलाफ है, मेरी नीतियों के खिलाफ है सिंगला जी, माफी चाहता हूँ। आप मुझे और पोस्ट डालने, आप 10 पोस्ट और डाल देना मेरे लिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जैसे मैंने आपके, आपको पता है आपके मेरे पास मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, मैंने आपको रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने इसलिए रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी नीतियों के खिलाफ है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से शिकायत करता हूँ, और सिर्फ अपने बाबा के सामने रोता हूँ, और सिर्फ अपने बाबा से बात करता हूँ भैया। इतना मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा कोई भगत हो गया, लेकिन मेरी नीति यही है भैया, मेरा सिद्धांत यही बोलता है, मैं अपने फेसबुक को गंदा नहीं करूंगा, माफी चाहता हूँ, मेरे फेसबुक पर मैं कुछ नहीं डालूंगा, हाँ ये जरूर बोलूंगा मेरी बात, हाँ भैया मैटर खत्म करो, कोई बात नहीं इसमें, कोई चलो इनसे भी जो हो गया या हमसे मुझसे, हाँ ये है, ये तरुण भाई एकदम राज परिक जुबान का खरा है गुरु, एक बात कभी भी बोल रहा हूँ, अगर मंडल आकर के माफी मांग ले कि पिछले 7 दिन से तरुण भाई हमें बोल रहे थे कि अब बारिश आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, लेकिन हमने हॉल नहीं किया, हमने जिद की कि नहीं श्याम बाबा रक्षा करेगा, अरे श्याम बाबा हिंट, तरुण गोयल और कैसे आता है श्याम बाबा, अब प्रत्यक्ष रूप में उतर जाएगा तुम्हारे लिए, श्याम बाबा यही तो स्वरूप है, तरुण गोयल के स्वरूप में आकर के बोल रहा है कि भाई बारिश आ जाएगी, भाई इज्जत रख लो, आज राजपरी की कोई वैल्यू नहीं है, नरेश पुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा सब छोड़ो भैया, उन छोटे छोटे म्यूजिशियंस की, उन कोरस वालों की, उन लाइव वालों की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप भैया मैं तो 1,00,000 रुपए लेता हूं, 2,00,000 लेता हूं, 5,00,000 लेता हूं, वो बच्चे 5,000 रुपए लेते हैं, 3,000 रुपए लेते हैं, 2,100 रुपए, 1,100 रुपए लेते हैं, और उसी से उनका घर चलता है। अगर बारिश के मौसम में सब मंडल यही करे कि बाबा देखेगा बारिश आएगी तो ठीक है, नहीं तो सबके पैसे मार लिए जाएंगे, अगर सब ऐसे ही करे तो ये गरीब बच्चे बारिश में तो मर जाएंगे, हो गया इनका काम, सही बात, ऐसे नहीं होता भैया, जब कोई बोल रहा है कि हॉल में कीर्तन कर लो और आप इग्नोर कर रहे हो उसकी बात को तो आप दोषी हो। छोटे भाई क्या करना, कुछ नहीं सिंगला जी, बस आपको जो सही लगे आप करो, मैं तो नहीं, देखो भाई साहब पता क्या,
अगर अगर मजा मजा तो तब आए, मजा तो तब आए जब आप बोलो कि राज भैया से बात हुई हमारी, क्योंकि मैं तो अभी तक लाइव नहीं आया, लाइव आप ही आयो, आपका मजा तो तब आए जब आप बोले कि राज भाई से बात हुई और सारा मुद्दा समझ में आया, जैसा हम समझ रहे थे वैसा राज भाई नहीं है और वैसे बात नहीं है, मंडल की भी गलती है भाई साहब। मेरी बात सुनो, अगर आप क्या नाम ले रहे हैं फेसबुक पर लाइव, अब सुनने लायक बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये एक्सेप्टेंस है उनकी तरफ से कि हाँ मंडल की गलती है, इस बात अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब उनकी एक्सेप्टेंस सुनिए शब्दों में। ये बात कहे ना भाई मंडल की, मंडल ने भी गलती करी, हम साथ ही साथ मैं आऊंगा फेसबुक पे, मंडल ने भी गलती करी थी, मैं ये कहूंगा। आप माफी मांग रहे हो चंडीगढ़ वासियों से, एक निजी आदमी से नहीं मांगनी, ना संजीव से मांगनी, ना कस्तूर से मांगनी, ना अपने मंडल से मांगनी, सिर्फ अपने चंडीगढ़ से मांगनी। मैं तो बोल संजीव भाई लाइव आएगा मंडल, नहीं 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 पहले तो पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पहल अभी भी आपने की थी मेरी बदनामी की। देखो मेरी बदनामी की पहल आपकी तरफ से शुरू हुई थी, तो मेरे अच्छे नामी की भी पहल आपकी तरफ से शुरू होगी। हम तो आदमी मंडल के छह आदमी बैठे हैं, सारे के सारे जितने भी है ना शहर के, कोई की आपको बता रहे, कोई प्रधान है, कोई मेंबर है, कोई किस तरह अलग अलग बैठे हैं, हम छह आदमी एक कमरे के अंदर बैठे हैं, बाकी सारे काल में बैठे हैं। अगर भाई साहब हम तो आपको एपीआर जोड़ के कहने लग रहे हो आपका, नहीं नहीं आप बिल्कुल हाथ में जोड़िए सिंगला जी, 1% भी हाथ, सिंगला जी 1% भी हाथ में जोड़िए, खत्म कर दिया भाई साहब। मैं भैया मैंने तो शुरू ही नहीं किया नहीं आपने शुरू ही नहीं करया, हम तो हमने शुरू करया, हम ही खत्म कर लेंगे भाई साहब, हम छोटे बनेंगे नहीं, मैं साथ ही साथ आऊंगा भाई साहब, कसम बाबा की अगर 5 मिनट के बाद मंडल को गालियां ना दूं, ये मेरा तेरा आपका वादा है, और बोलो चलिए मंडल के खिलाफ आऊंगा। चलो मैं मुझे जो सवेरे से बरसात आ रही है, बरसात आएगी 5 बजे मंडल को किसी धर्मशाला के अंदर किसी मंदिर के अंदर करना था, मैं ये बोलूंगा, ये आप मेरा वादा रहा, सिर्फ आप एक बार फेसबुक पर आएगा चंडीगढ़ वासियों की नाकस। भैया मैंने देखो मैं एक बार बोलता हूँ आपको, नहीं आपने तो भाई साहब जाकर करने हैं, हमने शहर छोड़ना पड़ेगा, हमने वापसी कैंसिल जाना पड़ेगा, कुछ बाकी तो चला दो। मैं तो नहीं नहीं मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ भैया, पकड़ रहा हूँ जितनी आपको फेसबुक पे गालियां दी है ना उतनी मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे छोटे भाई, मैं अगर आपके शरण हो ना कहीं मैं पकड़ दूंगा, नहीं नहीं भाई मैं माफी मांग रहा हूँ सारे कर चंडीगढ़ की तरफ से, मैं आपसे माफी मांगू। ये हमारी और वहां की कॉन्वर्जेशन है, किसी प्रकार की सफाई नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष दोषारोपण मंडल की और मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी बात रखी उनके सामने, उन्होंने अपनी बात को एक्सेप्ट किया, मेरे मुद्दे इस हमारे मुद्दे में जो भी बात थी सत्य जो था वो रख दिया गया उनकी तरफ से। मैंने तो नहीं कहा था उनको कि आप माफ़ी मांगिए, ये उनके शब्द हैं कि आप वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं कि उनकी गलती है। इस कॉन्वर्जेशन के बाहर भी काफ़ी ऐसी बातें हुई, मेरा ईमान गवाही नहीं दे रहा था इन सारी बातों को करने के लिए, ये जो भी हो रहा है मेरा ईमान नहीं गवाही दे रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में हमारे परिवार को आप, ये मेरे लिए नहीं है, ये कभी भी आप किसी कलाकार के लिए लिखो, किसी चेहरे के लिए लिखो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो चेहरा है वो भले ही मंच पे खड़ा होकर गा रहा हो, मरिया मजाल है लाखों ही ले रहा हो, लेकिन उसका भी परिवार है साहब, उसका भी घर है, उसके भी माता पिता हैं। क्या लाखों लोग नहीं लेते? क्या लाखों की शुरुआत सिर्फ यही कुछ शाम जगत के सिंगर ही हैं जो लाख ले रहे हैं? आप भी अपने व्यापार में करोड़ों कमा रहे होंगे ना, ये कहीं ना कहीं तो हमारे लिए भी व्यवसाय ही है ना, पैसा कमाने का जरिया ही है ना। या तो आप 1 रुपया मत दो, 1 शुल्क मत दो किसी को, जीवन में सिद्धांत बनाओ कि मैं निःशुल्क ही गायक को बुलाऊंगा, और अगर आपने शुल्क जोड़ दिया, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, आप उसमें उतने ही भागीदार हो जिसना गायक भागीदार है, तो आपको कोई अधिकार नहीं मिलता उसको पैसे के लिए बोलने का या पैसे के लिए टोकने का। अच्छा मेरा पक्ष मैंने अपनी तरफ से रख दिया, मेरी जुबान में नहीं,
मंडल और मेरे बीच का कॉन्वर्जेशन, मैं फिर कह रहा हूँ मेरा कोई दोषारोपण नहीं है मंडल पे, मैं तब भी मंडल को गलत नहीं बोल रहा था, अब भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पक्ष में मुझे रखना जरूरी था, मैंने रख दिया, सच्चाई रखनी जरूरी थी, मैंने रख दी। शुभम बत्रा जी, राजेश बत्रा जी पर जो आलोचनाएं लगाई गई, जो उनके बारे में गलत और बुरा कहा गया, तो अगर मैं राइट हूँ तो इसका मतलब वो भी राइट है। आप किसी को अंधकार में रखते हो ये कहकर कि आयोजक कभी गलत नहीं होते, ये तो वो बात हो गई ना कि एक माँ का अगर एक बेटा है, वो माँ उसको ये बोले कि तू दुनिया का सबसे बेहतरीन बेटा है, अच्छा लगता है, लेकिन एक माँ के दो बेटे हो ना, तो उस माँ को ये बोलता शोभा नहीं देता कि तू सबसे अच्छा बेटा है, क्योंकि बगल में दूसरा बेटा खड़ा है, उसको ये लगेगा कि अगर ये सबसे अच्छा है तो मैं क्या हूँ। आप किसी को अंधकार में डाल रहे हो ये कहकर कि आप कभी गलत नहीं होते, आप उसको भगवान बना रहे हो, और वो भी नहीं चाहता कि वो बने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसको आप ये दर्जा दे रहे हो, आप उसको 100% बता रहे हो, वो जानता है कि वो इंसान है, वो 100% नहीं है, उसको पता है कि वो कहीं ना कहीं गलत वो भी हो सकता है। गलती इंसान से होती है ना, कोई गलती कलाकार से भी होती है कभी, तो कोई मंडल से भी होती है। हम लोग एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं लगा रहे, लेकिन आप किसी को पूरा गलत और किसी को पूरा सही नहीं बता सकते, ये आप सामने वाले को अंधकार में डाल रहे हो। और मैंने तो सिर्फ आप सिद्ध करना ही मांग रहे थे ना, आप मेरी तो कॉन्वर्सेशन आपसे भी हुई है आज, आपने तो मुझे फोन नहीं किया, मैंने किया था आज आपको, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि मैं आपका सम्मान आज भी करता हूं। मैं आपके बारे में अगर कुछ बोल रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है पहले मैं आपसे 1-to-1 बात करूं। कोई ये व्यक्ति ये नहीं बोल सकता, अगर बोले तो मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे भी पूछा कि आपने मेरे बारे में बोला, आपने मुझसे पूछा, आपने आपने निष्पक्ष बात की, आपने कॉल किया कि राज भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं लाइव आकर के ऐसी ऐसी बात बोलूंगा, तो क्या आप अपना पक्ष बताना चाहेंगे? आपने बोला कि मैं क्यों पूछूं आपसे, कोई बात नहीं, जैसा आपको जैसा सही लगे, मैं अभी भी आपका सम्मान करता हूं और आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोलता हूं, कभी गलत नहीं बोले, आज भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप किसी और को बोल रहे हो, जो व्यक्ति मेरे समर्थन में खड़ा है, तो मेरा तो दायित्व बनता है ना। अभी मैंने आपने मुझे गलत ठहराया, उनको भी गलत ठहराया, पुनिया जी के बारे में भी गलत बात बोली, मैंने पुनिया जी को भी सही साबित किया, मैंने बत्रा जी को भी सही साबित किया, और दूसरी बात आपने मेरी कसम झूठी बताई थी वो भी सही साबित कर दी। मैंने अपनी बात रख दी, मैंने अपनी बात रख दी। अब जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो लोग देखेंगे, मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि मैंने इस मुद्दे में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, इस क्या मैंने कभी किसी मुद्दे में बात नहीं करनी चाहिए मैं, लेकिन फिर भी जाते जाते 2 से 3 बातें और बोलना चाहता हूँ कि हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी लोग हैं, हमारे परिवार में लोग हैं। आप कोई भी बात हमारे बारे में गलत बोलते हो, हमने बोला क्या आपको गलत कभी? जो लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं गलत, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, मैंने आपको गलत बोला क्या? मैंने कभी आपको गलत बोला नहीं ना। आपको ये लगता है कि एक पैरामीटर पे आप मुझे बुरा बोल सकते हो किसी मुद्दे के तहत, तो मुद्दे के तहत अगर आपको बुरा बोलना भी है तो कम से कम आप मुझसे कॉन्वर्जेशन करें, आप मुझसे बात करें, आप मेरे तक पहुँचें, मेरे तक पहुँचना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप मेरे तक आएँ, मेरे से बात करें। मेरे से बात करने के बाद अगर या तो मेरा जवाब ना मिले आपको तो अलग बात है, आप बहुत कोशिश करें ना कि हाँ भाई मेरे से आपकी बात हो जाए, या इस किसी भी मुद्दे पे जो आप मुझे बुरा भला सुना रहे हैं उस मुद्दे पर अगर आपको कुछ टिप्पणी करनी है तो आप मेरे तक आकर के मुझसे बात करने के बाद में अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर भी 1 सेकंड के लिए आपकी टिप्पणी मैं मान सकता हूँ कि सही है, कि आपको मेरी बात समझ नहीं आई या गलत लगी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने विचार रखिए। लेकिन आप मेरे बारे में बोल रहे हो या किसी भी, मैं अपने माध्यम से हर किसी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ सिंगर भी नहीं, सिर्फ कमिटीज़ भी नहीं, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, कमेटी वाले भी, समिति वाले भी, मंडल वाले भी और कलाकार भी, दोनों के लिए कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ बोलो, इन जनरल भी बोल रहा हूँ कि आप कभी किसी व्यक्ति पर दोषारोपण लगाओ तो पहले उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति से उस चर्चा उस मुद्दे के बारे में एक बार पूछो, एक बार बात करो। हम भी इंसान हैं, गलती इंसान से ही होती है। मंडल ने अपनी बात मानी ना, अपनी बात रखी ना कि हम गलती मान रहे, उन्होंने बोला ना, उन्होंने माफ़ी तक मांगी, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली, क्यों? क्योंकि मेरी उनकी कॉन्वर्जेशन हुई, वो मुझ तक पहुँचे, भले ही मेरे को पूरा बदनाम करके मेरे बारे में बहुत कुछ बोल करके पहुँचे, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे तक बात रहती तो मैं अभी भी नहीं आता। इसके पहले हुई है ना चीज़ें, मैं नहीं आया ना लाइव, मैंने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया ना, मेरा बाबा जानता है, मैं जानता हूँ,
लेकिन इस मुद्दे पर मेरे साथ साथ स्पेसिफिकली दो लोग और मेरा परिवार, उनको मेरे परिवार धमकी भरे कॉल्स। मैं नहीं बोलता कि आपने करवाए होंगे, एकदम मैं दोषारोपण नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आए तो मुद्दे के तहत ही आए ना। अगर ये मुद्दा नहीं उठता, पहले ही बात हो चुकी होती, कॉन्वर्जेशन हो चुका होता, आपसी बात हो चुकी होती, कॉल पे बात हो चुकी होती, अगर कॉल पे बात हो चुकी होती हमारी, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को खत्म कर दिया जा सकता था ना। लेकिन नहीं, बात फेसबुक पे लाई गई, उस वजह से मेरा परिवार परेशान हुआ। मेरे पिताजी 2 दिन से डिप्रेशन में है, टेंशन में है, मेरी माँ डिप्रेशन टेंशन में है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे को कॉल्स आ रहे हैं। श्याम जगत, श्री श्याम जगत पेज, राजेश बत्रा जी, शुभम बत्रा जी, वो बेचारा आपको पता नहीं है पर्सनली, ऐसे ही वो वेकेशन पे गया था कल। वो हम सब दोस्त ही आ रही है, हम सब आपस में एक दूसरे से बात करते रहते। वो कल वेकेशन पे गया था, तो जो बंदा 4-5 दिन छुट्टी पे जा रहा है, उसको पता चलता है पीछे से उसको किसी मैटर में ज़बरदस्ती खींच लिया गया है। तो उसके पिताजी टेंशन में, अब वो गया है वापस के नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे। लेकिन क्यों, किस लिए फेसबुक पे ला करके किसी को कटघरे में खड़ा कर देना कहाँ तक सही है? और बात तो मैंने सिद्ध कर दी ना, हो गया ना, मंडल ने अपनी गलती मानी ना, आपके शब्द गलत हो गए ना, कि आयोजक कभी गलत नहीं होते। आयोजक इंसान है यार, आप उनको अंधकार में डाल रहे हो, उन्होंने, आपने उनकी परमिशन नहीं ली होगी बोलने से पहले। अगर आप उनकी परमिशन लेते, मैं 100% बोलता हूं कि वो भी आपको मना करते कि यार इतनी फालतू बात मत करो यार, किसी को भगवान मत बनाओ, इंसान है सारे, वो भी आयोजक भी इंसान है, उनसे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन बात को ज्यादा खींचेंगे नहीं, मेरे कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए। मैं आप फिर कह रहा हूँ कि आप सारे भाई बहन जितने भी मुझे देख रहे हैं, जो सब देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका धन्यवाद। लेकिन फिर कहूँगा कि अंधभक्ति और अंधविद्रोह दोनों गलत है। अगर आप मेरा सपोर्ट भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप अंधा बन के मेरा सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो सही है, तो कोई मेरा अंधा बन के विद्रोह कर रहा है वो भी सही है। तो ना अंधा बन के सपोर्ट करिए, ना अंधा बन के विद्रोह करिए। हमेशा बात को समझिए, पक्ष क्या है, दोनों पक्ष को सुनिए, और उसके बाद कोई बात पे आइए। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, बाकी मैं तो बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने, उम्र में भी और हर चीज़ में बात, बाकी आप सारे बड़े हैं, आपको जो सही लगे। इस लाइव के बाद मैं इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा, और ना किसी बात को एंटरटेन करूँगा। अगर कोई, क्योंकि जिसके लिए, जिसके आँख पे पट्टी लगी उसको गलत ही दिखेगा सब कुछ। तो अगर कोई इस मुद्दे पे वापस कुछ काउंटर करना चाहे तो बिंदास करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे साथ आप सब हैं, मुझे पता है, और जब तक आप सब हैं, मेरा सेठ मेरे साथ है, मेरा मालिक, मेरा श्याम बाबा मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात बाकी आप सब, मालिक कृपा करें, बस आप मालिक कृपा करें हम सब पे, और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं। बस कभी और मिलेंगे तो भजनों के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि मैं किसी मुद्दे पर तो ज़बरदस्ती आता नहीं, आपका समय भी ज़ाया होता है, मेरा भी ज़ाया होता है, किसी मुद्दे पर आना नहीं है। कॉन्वर्जेशन सारे हो गए, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो बताने लायक नहीं है। उनकी मर्यादा अपनी मर्यादा है, उनकी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, सम्मान है। आप सब ने मेरा साथ दिया, उस सबके लिए धन्यवाद, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस धन्यवाद। जय श्री श्याम।